गीता शास्त्र का अवतरण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादाश भाषसे कथासून गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, भय, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। गीता में सबसे पहले धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने युद्ध भूमि में क्या किया। यद्यपि पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता से भी अधिक आदर दृष्टि से देखते थे, तथापि धृतराष्ट्र के मन में अपने पुत्रों के प्रति ममता थी, अतः उनका अपने पुत्रों में और पांडवों में भेदभाव पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरह पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कहते हैं। दुर्योधन आदि को भी अर्जुन स्वजन कहते हैं। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है जो इस 11वें श्लोक से आरंभ होता है। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री भगवान कहते हैं, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। तात्पर्य है कि जब ये शरीर नहीं थे तब भी हम सब थे, और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब भी हम रहेंगे। अर्थात ये सब शरीर तो है नाशवान और हम सब है अविनाशी। जो आदि और अंत में रहता है वह मध्य में भी रहता है, तथा जो आदि और अंत में नहीं रहता वह मध्य में भी नहीं रहता। जैसे प्रत्येक प्राणी को नींद आने से पहले भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम है, और नींद खुलने पर भी यह अनुभव रहता है कि अभी हम है, तो नींद की अवस्था में भी हम वैसे के वैसे ही थे। अनेक युग बदल जाए तो भी शरीरी बदलता नहीं, वह का वह ही रहता है, क्योंकि वह परमात्मा का अंश है, परंतु शरीर बदलता ही रहता है। देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। श्री कृष्ण समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीव आत्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। अर्थात जैसे स्थूल शरीर बालक से जवान एवं जवान से बूढ़ा हो जाता है, तो इन अवस्थाओं के परिवर्तन को लेकर कोई शोक नहीं होता। ऐसे ही शरीरी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, तो इस विषय में भी शोक नहीं होना चाहिए,
जैसे हम अनेक वस्त्र बदलते रहते हैं, पर वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, प्रत्युत वे के वे ही रहते हैं, ऐसे ही अनेक योनियों में जाने पर भी हमारी सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की त्यों रहती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुख दाह, आगमापायिनो नित्याः, ताम स्थिति क्षस्व भारत। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है, इसलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। अर्थात जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रिया मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है, वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है। पदार्थों से होने वाले सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार और नित्य है, अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ, सम दुख सुखम धीरम सोमृत कल्पते। श्री भगवान कहते हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अर्थात जिसकी दृष्टि समता की तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। यदि हम सुख दुख का उपभोग न करके उनका सदुपयोग करेंगे, तो हम सुख दुख से ऊंचे उठ जाएंगे और महान आनंद का अनुभव करेंगे। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही व्यथा होती है। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। व्यथा रहित होने से मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो जाती है। सुखी दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है। उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति होती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। जो सुख दुख का भोग करता है, उस भोगी का पतन हो जाता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है, वह योगी सुख दुख दोनों से ऊंचा उठकर अमरता का अनुभव कर लेता है। नासतो विद्यते भाव, नाभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस् त्वनयोस्त्वदर्शिभिः। श्री कृष्ण कहते हैं, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। तात्पर्य है कि शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा, और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रति क्षण अभाव हो रहा है। यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः यह असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। जो सत वस्तु है उसका अभाव नहीं रहता, अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी देही था, देह नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह से देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों ही रहता है।
इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्म तत्व था। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों है। अर्जुन यहाँ शरीरों को लेकर शोक कर रहे हैं कि युद्ध करने से ये सब मर जाएंगे। इस पर भगवान कहते हैं कि क्या युद्ध न करने से ये नहीं मरेंगे? असत तो मरेगा ही और निरंतर मर ही रहा है, परंतु इसमें जो सत्य रूप से है उसका कभी अभाव नहीं होगा, इसलिए शोक करना तुम्हारी ना समझी ही है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्री भगवान कहते हैं नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश में कोई भी समर्थ नहीं है। अर्थात जैसे सोने से बने हुए गहनों में सोना, लोहे से बने हुए अस्त्र शस्त्रों में लोहा, मिट्टी से बने हुए बर्तनों में मिट्टी और जल से बनी हुई बर्फ में जल ही व्याप्त है, ऐसे ही संसार में वह सत तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तव में इस संसार में वह सत तत्व ही जानने योग्य है। शरीरी अविनाशी है, इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता, परंतु शरीर विनाशी है क्योंकि वह निरंतर विनाश की तरफ जा रहा है। अतः इस विनाशी के विनाश को कोई रोक नहीं सकता। तू सोचता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तव में तेरे युद्ध करने से अथवा न करने से इस अविनाशी और विनाशी तत्व में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात अविनाशी तो रहेगा ही और विनाशी का नाश होगा ही। अंतवंत इमे देहाः नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। श्री कृष्ण कहते हैं इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरत वंशी अर्जुन तू युद्ध कर। अर्थात किसी काल में किसी कारण से कभी किंचित मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं होता, उसको नाश रहित कहते हैं। जो प्रमाण का विषय नहीं है अर्थात जो अंतःकरण और इंद्रियों का विषय नहीं है उसको अप्रमेय कहते हैं। जो नित्य निरंतर रहने वाला है, जो सब काल में सदा ही रहता है, उसे नित्यस्य कहते हैं। इस अविनाशी अप्रमेय और नित्य आत्मा के संपूर्ण संसार में जितने भी शरीर हैं, वे सभी अंत वाले कहे गए हैं। अंत वाले कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रति क्षण अंत हो रहा है, इसलिए हे अर्जुन तू युद्ध कर। येनम वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते। श्री भगवान कहते हैं जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। अर्थात शरीरी नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है, यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। शरीरी किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं आता। वास्तव में ये संपूर्ण क्रियाओं से रहित है, अतः इस शरीरी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणः
न हन्यते हन्यमाने शरीरे। श्री कृष्ण कहते हैं यह आत्मा किसी काल में न तो जन्मती है और न मरती ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। शरीर में 6 विकार होते हैं, उत्पन्न होना, सत्ता वाला दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना और नष्ट होना। यह शरीरी इन 6 विकारों से रहित है। जैसे शरीर उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीरी कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। भगवान ने इस शरीर को अपना अंश बताते हुए इसको सनातन कहा है। शरीरी कभी मरता भी नहीं, मरता वही है जो पैदा होता है। इस शरीरी का कभी जन्म नहीं होता। यह शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है, इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीरी का अपक्षय नहीं होता। शरीरी नित्य तत्व निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इससे अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। शरीर का नाश होने पर भी शरीरी का नाश नहीं होता। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका से विशेष शोक कर रहे थे। इस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीरी का मरना नहीं होता, इसलिए तुम्हारा शोक करना अनुचित है। ओम श्री परमात्मने नमः।